Hello, assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn about the integration of LEO reporting with the Playwright. So let's start. So सबसे पहले हम LEO रिपोर्ट की जो इंस्टॉलेशन और सेटअप है उसको देख लेते हैं. LEO रिपोर्ट जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑटोमेशन रिपोर्टिंग को जो है वो डील करता है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत सिंपल सी है और तो इस पे हम जाते हैं. सबसे पहले वी नीड टू हैव जावा इंस्टॉल्ड इन ऑल सिस्टम. तो जावा के लिए जो है वो लिंक प्रोवाइडेड है. इस लिंक पे जाके आप जावा को इंस्टॉल कर लेंगे. देन हम इन्वायरमेंटेबल वेरिएबल में जाके वहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे जावा अंडर स्कोर होम का, और वहाँ पे जो JDK का रूट पाथ है वो हम उसको सेट कर देंगे. देन वी नीड टू हैव नोड जे एस इंस्टॉल इन आर सिस्टम एज वेल. सो उसके लिए हमें नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके, और ये कमांड है npm install dash g npm. तो कमांड लाइन से जाके हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाके हम इसका पाथ भी सेट कर देंगे. ये भी हम आगे देखते हैं भी मज़ीद. देन इसके बाद फिर हमें एलियो रिपोर्ट को इंस्टॉल करना है. तो वो कमांड लाइन पे जाके हमें यही कमांड यूज़ करनी है, npm स्पेस इंस्टॉल डैश जी स्पेस एलियो डैश कमांड लाइन स्पेस डैश डैश सेव डैश डेव. ये लिख के मैं एंटर करूँगा तो मेरे सिस्टम के अंदर एलियो रिपोर्टिंग जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी. इंस्टॉलेशन के लिहाज से ये इतना ही है. बाकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलेशन है वो हम प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे होंगे. ये तो हमने चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं. उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो चीज़ें सेट करनी है, तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हमें इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की विंडो ऑन हो जाती है. यहाँ पे हमें ये जावा अंडरस्कोर होम जो है वो सेट करना है वेरिएबल. तो उसके लिए मैं न्यू वेरिएबल जो है वो क्रिएट करूँगा. तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा और मैं न्यू वेरिएबल सेट कर सकता हूँ. तो अगेन हमें जो पाथ देना है वो JDK का जो रूट पाथ है वो देना है, बिन तक नहीं देना. अच्छा, ये हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट इसलिए करते हैं ताकि हम कमांड लाइन से कोई भी कमांड अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ की जिसकी एग्जीक्यूशन हो रही है मुझे उसके पाथ में जाना नहीं पड़ता कि या उसके लोकेशन पे नहीं जाना पड़ता. मैं डायरेक्ट जो है वो उसको यूज़ कर सकता हूँ. जस्ट लाइक मैं अगर npm लिख के आगे कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ यूजिंग npm, तो मुझे अब npm के डायरेक्टरी में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स इसलिए सेट करते हैं. इसी तरीके से जो है हमें JDK के पास सेट कर दिया है, और JDK का हमें ये वेरिएबल भी बनाना है जावा अंडरस्कोर होम का. जबकि जो नॉर्मल पाथ होगा उस पाथ के अंदर जाके हमें एक पाथ ऐड करना है npm का, जस्ट कि जहाँ पे हमारी npm इंस्टॉल है डिफॉल्ट में आपके यूजर की ऐप डेटा में ही इंस्टॉल हो रही होगी. ये जो है वो इंस्टॉलेशन या प्री रेग इंस्टॉलेशन प्लस जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेटअप्स हैं वो ये थे. अब हम मजीद अगर आगे बढ़े तो सेटअप में, तो उसमें यह है कि हमें अपने जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में हम एनी टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. एंड वी विल यूज द सेम प्रोजेक्ट के ये वीडियो जो है कंटिन्यूटी में है, जो हमने लास्ट वीडियो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की करी थी हम उसी को यूज़ करके आगे करेंगे. कि उसी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो कोड था, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, उसमें हम रिपोर्टिंग इंटीग्रेट करने जाएंगे. उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इंटीग्रेट करेंगे एलियोर डॉट एन यूनिट फ्रॉम नगेट पैकेजेस. उसके बाद जो है वो एलियोर कन्फिग डॉट जेसन. अगर आपको जो रिजल्ट फाइल है वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बनवानी है के ऑफ योर चॉइस, तो फिर आप ये एलियोर कन्फिग डॉट जेसॉन फाइल ऐड करेंगे. अदरवाइज इसको अगर हम ऐड ना भी करें तो ये डिफॉल्ट में जो रिजल्ट्स हैं वो आपके बिन डिबग में .NET 6.0 के फोल्डर में जो है वो क्रिएट हो जाएगा, या जो भी आप वर्जन यूज कर रहे होंगे .NET कोर के हिसाब से. देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी टेस्ट क्लास होगी जो कि एन यूनिट में टेस्ट फिक्सचर का एट्रीब्यूट होता है, उसके ऊपर हमें एक और एट्रीब्यूट लगाना है एलियोर एन यूनिट का. एलियोर एन यूनिट का एट्रीब्यूट लगाते ही वो वाला जो जो क्लास है वो क्लास इनेबल हो जाएगी फॉर एलियोर रिपोर्टिंग.
अगर हम सब कुछ कर लें और जो पर्टिकुलर क्लास है जिसको मुझे रिपोर्ट करना है या लॉग करना है उसके ऊपर मैं एलियो और एन यूनिट का एट्रीब्यूट ना लगाऊं, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये मेन एट्रीब्यूट है एलियो रिपोर्टिंग के लिए। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। एलियोर को रिपोर्टिंग के इंटीग्रेशन के लिए हमें इंटरनल कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की नीड नहीं होती, और यही सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है मुझे एलियोर रिपोर्टिंग का, कि इसने बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है रिपोर्टिंग को, और इसके रिपोर्टिंग की कवरेज या डेटा की कवरेज या डेटा को मेंटेन करना, जो पूरी एग्जीक्यूशन का डेटा है उसको बहुत अच्छे फॉर्म में शो करना विद मिनिमम इनपुट्स फ्रॉम यूज़र। तो और जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं वो यही है कि अगर आपको स्विट वगैरह को रिकॉर्ड करना है तो आपके पास जो है वो तीन तरह के जो है ये एट्रीब्यूट मौजूद हैं, एलियोर पेरेंट स्विट, एलियोर स्विट और एलियोर सब स्विट। इसी तरीके से बिहेवियर के लिहाज से देखें तो एलियोर एपिक्स हैं, एलियोर फीचर एंड एलियोर स्टोरी। अगर आप अपने मेथड के ऊपर जो ये आपका टेस्ट केस है उसके ऊपर या आपका कोई नॉर्मल मेथड है उसके ऊपर ये अगर आप एट्रीब्यूट लगाते हैं तो वो आपका मेथड या जो टेस्ट केस है वो इस तरह से बिहेव करने लगेगा या आपके रिपोर्टिंग में उस तरह से शो होगा। ये मजीद क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी जब इसको अभी हम आगे परफॉर्म करेंगे। देन हमारे पास कुछ लिंक वाली चीज़ें भी हैं कि एलियोर टीएमएस के नाम से है एट्रीब्यूट, एलियोर लिंक एंड एलियोर इशू। अब ये क्या है ये अभी हम समझते हैं कि लेट सपोज मेरे को एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है या ऑटोमेशन टेस्ट केस है, वो मुझे लिंक करना है किसी मैनुअल टेस्ट केस से, तो मैं यहाँ पे उस मैनुअल टेस्ट केस का लिंक दे सकता हूँ फ्रॉम मेन जो भी मैं रिपोजिटरी यूज कर रहा हूँ या जो भी मैं जस्ट लाइक अगर मैं एजोर डेवऑप्स यूज कर रहा हूँ तो मैं एजोर डेवऑप्स का लिंक दे दूंगा। अगर मैं जो है जीरा यूज़ कर रहा हूँ तो जीरा का जो लिंक होगा वो मैं दे सकता हूँ। सिमिलरली कि अगर कोई इशू वगैरह क्रिएट करना है या इशू ये अगर टेस्ट केस किसी बग को टेस्ट कर रहा है तो मैं उसका लिंक भी दे सकता हूँ। तो कोई भी मैं लिंक जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रिजल्ट जनरेट होंगे उस रिजल्ट से मैं डायरेक्टली जो है नेविगेट कर सकता हूँ उस ओरिजिनल सोर्स की तरफ के जिसको ये डील कर रहा है मेरी स्क्रिप्ट। इसी तरीके से हमारे पास लिंक के अलावा कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि मैं डिफरेंट टैग लेबल्स या जो टेस्ट केस है या टेस्ट स्क्रिप्ट है उसकी सीवियरिटी सेट कर सकता हूँ, मैं ओनर सेट कर सकता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन सेट कर सकता हूँ और मैं एलियोर स्टेप बताता हूँ। लेट सपोज मेरे अगर मल्टीपल मेथड्स कॉल हुए हुए हैं, अगर मैं बताता हूँ कि ये एलियोर स्टेप्स हैं तो वो फिर मेरे मेन जस्ट लाइक के जो यूज़र स्टोरी है उसके वो स्टेप्स बनने लग जाएंगे, या मैं जो भी पेरेंट में सेट किया होगा एट्रीब्यूट। इसी तरीके से और भी कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं ये वो जो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ शो किए हैं। इनके अलावा भी कुछ और मौजूद हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम अगर देखें तो प्रोजेक्ट के अंदर मुझे नगेट पैकेजेस में जाके एलियोर डॉट एन यूनिट को इंस्टॉल करना है, बट मेक इट श्योर कि इंक्लूड प्री रिलीज शुड बी चेक्ड। तो आपके पास फिर ये जो लेटेस्ट वर्जन होगा प्रीव्यू वाला 2.9.5 डैश प्रीव्यू डॉट वन, ये वर्जन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अभी इस वक्त, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इसे मुझे जस्ट इंस्टॉल करना है और बस आई एम गुड टू गो। तो ये बेसिक सा सेटअप था। अगर मैं फिर रिपीट करूँ तो हमने जावा इंस्टॉल किया है, हमने नोड जेएस इंस्टॉल करी है एंड हमने एलियोर रिपोर्टिंग को इंस्टॉल किया है। फिर प्रोजेक्ट के अंदर आके नगेट पैकेजेस से मैंने एलियो डॉट एन यूनिट को इंस्टॉल किया है प्री रिलीज के चेक के साथ। अच्छा, जो कोड मेरा होगा वो कैसा नज़र आएगा? वो मेरा कोड थोड़ा इस तरह से होगा कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जो हमारा टेस्ट फिक्सचर है वो हमारी टेस्ट क्लास होती है, मतलब एग्जीक्यूशन क्लास होती है, उसमें उस लेवल पे हमें एलियो एन यूनिट का एट्रीब्यूट जो है वो लगाना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी क्लास है ये क्लास अब जो है वो एप्लीकेबल है किस चीज़ के लिए? एलियोर रिपोर्टिंग के लिए। इसी तरीके से जो आपका कोड है अगर आपने हुक्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो आप हुक्स के लिहाज से एलियोर बिफोर जो है वो उसका एट्रीब्यूट डाल सकते हैं एंड जो क्लीन अप वगैरह होता है या टेयर डाउन होता है तो एलियोर आफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे ऑप्शनल हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो आपका मेथड है
जिसको मैं टेस्ट केस जो है हमारा वहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट अगर मैं देखूँ, ये टेस्ट जो है ये तो एन यूनिट का एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद एल्योर स्टेप के मैं इसको स्टेप बना रहा हूँ, एल्योर एपिक ये किसी एपिक, ये कोई एपिक है, ये एपिक का पार्ट है। इसी तरीके से एल्योर फीचर, एल्योर स्टोरी, एल्योर ओनर, एल्योर डिस्क्रिप्शन, फिर कैटेगरी हो गई, फिर टैग हो गए, सिवियरिटी सेट कर दी हमने, कोई एल्योर की आईडी सेट कर दी हमने यहाँ पे, जैसे डिफेक्ट या स्वीट टेस्ट केस के लिंक, हमने ये लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया है। और बस अगर मैं अंदर मेथड के अंदर देखूँ तो मैंने कुछ नहीं दिया है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे एक्स्ट्रा जो है कुछ और चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट एट्रीब्यूट सेट करने हैं और ये ऑटोमेटिकली चीज़ें लॉग हो जाएंगी। तो ये हमारा जो है वो एक टेस्ट क्लास के अंदर जो टेस्ट मेथड है उसके ऊपर ये एट्रीब्यूट्स हैं वो इस तरह से बिल्कुल सेट होंगे। इसी तरीके से मैं देखूँ पेज के अंदर मुझे क्या करना है, अब पेज के अंदर भी मुझे एट्रीब्यूट ही सेट करना है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये लॉगिन के अंदर से ये लॉगिन कॉल हो रहा है मेथड, तो इस लॉगिन के मेथड के ऊपर एट्रीब्यूट लगा दिया है एल्योर स्टेप का। इसका मतलब ये है कि जब ये लॉग हो रहा होगा तो इस टेस्ट का ये स्टेप काउंट होगा, ये लॉगिन, देन सर्च होटल एंड बुक होटल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऐड कर दिया है क्योंकि पैरम जा रहे हैं, तो इस पैरम को यहाँ से डील कर लिया। इसी तरीके से जो है हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी जो है वो लिया गया है, जो हमारे मतलब इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट चलने के बाद एंड में एक स्क्रीनशॉट लेगा, या जहाँ जहाँ आप ये टेक स्क्रीनशॉट का मेथड कॉल करेंगे वहाँ वहाँ वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो यहाँ पे एक मैंने सेपरेट क्लास बनाई हुई है स्क्रीनशॉट डॉट की, और उससे कॉल कर लिया टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो इसलिए ये डायरेक्ट कॉल हो गया विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इस मेथड की बात करूँ तो ये भी बहुत सिंपल है, ये स्क्रीनशॉट की क्लास है, इसके अंदर हमने ये टेक स्क्रीनशॉट का मेथड बना दिया जो कि आपसे इनपुट ले रहा है पेज, साथ में स्टेप की डिटेल कि जो जो चीज़ आप लॉक कर रहे हैं उसकी डिटेल क्या है, और डिफ़ॉल्ट में इसका स्टेटस में भेज रहा हूँ पास, क्योंकि ज़्यादातर स्टेप पास होते हैं, अगर फेल हो रहा होगा तो फिर आप अपनी लॉजिक के हिसाब से फेल लॉक करवाएंगे। तो स्क्रीनशॉट जो है वो दो तरीके से लिए जाते हैं, एक तो ये होता है कि आप मेमोरी में होल्ड करके रखें उसको और यूज़ कर लें, दूसरा ये होता है कि आप उसको फिजिकली किसी लोकेशन पे सेव करवाएं और फिर उसे यूज़ करें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक बाइट एरे जो है वो बाइट टाइप का एरे जो है वो बनाया जा रहा है और स्क्रीनशॉट लेके इस पे मेंटेन कर रहे हैं, और ये एल्योर लाइफ साइकिल डॉट इंस्टेंस डॉट एड अटैचमेंट से हम उसमें डिटेल्स जो है वो भेज दे रहे हैं कि स्टेप की डिटेल और साथ में इमेज की टाइप, और फिर ये जो हमने यहाँ होल्ड किया हुआ था बाइट्स में इसको यहाँ भेज दिया। तो ये सिंपल से मेथड है स्क्रीनशॉट लेने का, और जहाँ जहाँ स्क्रीनशॉट चाहिए वहाँ भी इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन की बात करें तो हमें क्या करना है, आप अपना नॉर्मल टेस्ट रन कर लें, जैसे ये टेस्ट रन हो जाएगा तो आपकी जो रिजल्ट डायरेक्टरी है वहाँ पे एल्योर टेस्ट रिजल्ट्स के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस वो फोल्डर जहाँ मौजूद है उससे एक स्टेप पहले, जैसे मैंने पहले बताया था कि बिन डिबग में नेट 6.0 के फोल्डर के अंदर वो फोल्डर होता है, तो यहाँ पे जाके आपको जैसे कमांड लिखनी है एल्योर स्पेस सर्व, ये लिख के आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आगे नजर आएगा कि जनरेटिंग रिपोर्ट टू टेम्प डायरेक्टरी एंड रिपोर्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, और आपको लोकेशन दे देगा भाई कहाँ उसने जनरेट किया है, और एक वेब सर्वर स्टार्ट कर देगा उसके बाद, और आपके पास कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग नजर आ जाएगी एल्योर की। और जितने भी आपके टेस्ट केस चले होंगे, जो जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की होंगी एट द टाइम ऑफ ऑटोमेशन, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हमने जो है वो स्वीट वगैरह दिए थे वो नज़र आ रहे हैं, एपिक्स यूजर स्टोरीज वगैरह दिए थे वो नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके सारे टेस्ट नज़र आएंगे। अगर मैं पैकेज के टैब में जाऊँ और यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक टेस्ट को क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे टैग्स, सिवियरिटी, अगेन वो सारी चीज़ें जो हमने प्रोवाइड करी थी वो सब हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। डिफेक्ट और टेस्ट के सामने लिंक किया था वो भी यहाँ पे लिंक होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट वो लिंक खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर लिंक इससे हो जाएगा, और आपकी रेलेवेंट अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से जो ये स्टेप्स हैं इसको मैं खोल अगर एक्सपेंड करूंगा तो जैसे लॉग इन को मैंने लॉक किया था, सिमिलरली सर्च, बुकिंग को, स्लैक को, ये भी इस तरह से आपके जो टेस्ट के स्टेप्स हैं वो लॉग हो जाएंगे।
सो ये था ओवरव्यू सेटअप एंड ओवरव्यू ऑफ द एल्योर रिपोर्टिंग, और इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। इसका पार्ट टू में हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।